कांग्रेस नेता राहुल गांधी के एक बयान की खूब चर्चा हो रही है जो उन्होंने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में दिया था। इस दौरान उन्होंने अपनी और अपनी पार्टी की गलती स्वीकारी है और उसमें सुधार लाने की बात कही है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि देश में संस्थापकों की अपेक्षा की तुलना संविधान लोगों की कम मदद कर रहा है, ये सफलता के साथ साथ विफलता भी है। शुक्रवार को यहाँ इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में राष्ट्रीय संविधान सम्मेलन को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि सच्चाई यह है कि कांग्रेस पार्टी को आने वाले समय में अपनी राजनीति को बदलनी होगी। उन्होंने कहा कि मैं यह भी कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने भी गलतियां की हैं। मैं कांग्रेस का होते हुए भी यह कह रहा हूं। हालांकि उन्होंने किसी गलती का जिक्र नहीं किया है। राहुल गांधी ने आरक्षण, जाति व्यवस्था के साथ साथ संविधान पर कथित हमलों के बारे में भी बात की है। राहुल गांधी ने कहा कि देश में सबसे बड़ी संख्या के लोग का भविष्य जन्म से पहले ही तय हो जाता है। राहुल ने कहा कि लोगों को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया जाता है जिससे तय होता है कि वे कौन सा काम करेंगे और कौन सा काम नहीं करेंगे। राहुल गांधी ने कहा हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों ने ऐसा जीवन जिया है जहां उन्होंने अपना भविष्य तय नहीं किया बल्कि समाज ने उन्हें उनके लिए उनका भविष्य तय किया है। कई लोग इस वास्तविकता को स्वीकार करते हुए भी इसे बदलने के लिए खड़े हुए हैं। राहुल ने कहा कि जो लोग जीवन भर राजनीति में सत्ता के पीछे भागते हैं वो इस वास्तविकता को स्वीकार नहीं करते। वे कभी भी अपनी या दूसरों की वास्तविकता को स्वीकार नहीं करते हैं। उन्होंने अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा का जिक्र करते हुए कहा खुद की स्थिति स्पष्ट की है। गांधी ने कहा सच्चाई यह है कि मैं जनता की आवाज हूँ। मैं भारत जोड़ो न्याय यात्रा समझ गया कि जनता की आवाज, जनता का दुख दर्द और उसके सिवा मैं कुछ हूँ ही नहीं। कांग्रेस नेता ने कहा मुझे और किसी चीज में रुचि नहीं है। अब सवाल उठता है कि आगे क्या करना है, किसी का नुकसान नहीं करना है। सबसे पहले हिंदुस्तान की जो सामाजिक सच्चाई है उसको देश के सामने उजागर करना है। किसी को धमकी नहीं देनी, चोट नहीं मारना है। ANP टाइम्स की रिपोर्ट।